हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपकी सबसे फेवरेट मैगी, जो झटपट से बन जाती है और बनाने में भी बहुत आसान होती है। ये आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल मैगी। चलिए बनाते हैं। स्ट्रीट स्टाइल मैगी बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है जिसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। अब ये गर्म हो गया है तो इसमें मैं 1/2 टेबलस्पून लहसुन डालूँगी और साथ में हरी मिर्च भी 1/2 टेबलस्पून। अब मैं इसे थोड़ा चला लेती हूँ ताकि लहसुन का कच्चापन निकल जाए। अब मैं 1/2 कप प्याज ऐड करूँगी और इसी के साथ 1/2 कप मटर और इसे 30 सेकंड्स तक चलाऊँगी। अब आप देख सकते हैं 30 सेकंड्स के अंदर जो प्याज का कलर है वो ट्रांसलूसेंट हो चुका है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर लेती हूँ। इसमें अब 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। आप धनिया पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर सबसे अच्छा आता है। अब 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और इसके साथ ही मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून नमक। नमक ऐड करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है, तो इसकी क्वांटिटी हमें ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखनी है। और अब इसे हम थोड़ा चला लेंगे। अब 20 सेकेंड्स हो चुके हैं मसाले भुनते हुए। अब मैं इसमें 1/2 कप टमाटर ऐड करूँगी और 1 मिनट के लिए पैन का कवर लगा दूँगी। अब आप देख सकते हैं मसाले भुन चुके हैं, तो अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी मैंने 1.5 कप लिया है, क्योंकि ये कप बड़ा है तो मैंने 1.5 कप की ही क्वांटिटी रखी है। और फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि इसमें बॉयल जल्दी से आ जाए। पानी बॉयल हो चुका है, मैं अब इसमें डाल रही हूँ मैगी। मैगी का मैंने ये डबल पैक लिया है और मैगी आप तोड़ के भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने साबुत मैगी को ऐड किया है। और अब मैं फिर से पैन का कवर इसमें लगा दूँगी। मैंने इसे ऐसे पूरे 1 मिनट तक कुक किया है। 1 मिनट हो चुके हैं तो मैगी को मैं थोड़ा कवर हटा के स्प्रेड कर रही हूँ ताकि मैगी के जो नूडल्स हैं वो पानी में अच्छे से मिल जाएँ। अब देखिए मैगी थोड़ी सी सेपरेट हो गई है, अच्छे से मिल भी चुकी है। और इसी के साथ मैं पहला मैगी मसाला ऐड करूंगी और मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और जैसे ही मुझे लगेगा कि मैगी रेडी होने वाली है, बिल्कुल उसके 1 मिनट पहले दूसरा मैगी मसाला भी ऐड करूंगी और उसे अच्छे से मिक्स करूंगी। अब आप देख सकते हैं कि मैगी बनके तैयार है। आपको इसमें चाट मसाला ऐड करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल आपको चटपटी ही लगेगी। बस आपको इसमें धनिया पाउडर और दूसरा मैगी मसाला बनने से पहले ही ऐड करना है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।